मुरबाड से 35 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं चालू से गांव में, जहां पर पानी का बहुत ही बुरा हाल है। पेश है मुंबई टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट। थाने जिले के मुरबाड के चासोले में पानी के लिए हाहाकार। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। जिला थाने के मुरबाड से 35 किलोमीटर दूर चासोले में पानी के लिए हाहाकार मची है। लोग चासोले गांव से 4-5 किलोमीटर दूर जाकर पानी हासिल करने के लिए कुओं में उतर रहे हैं। लोग काफले की शक्ल में पानी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, पानी के लिए परेशान हैं। मगर हमारी सरकार नींद के मजे लूट रही है। क्या फडणवीस सरकार चासोले गांव के लोगों की समस्या बल्कि पानी की समस्या का समाधान करेगी या खामोश तमाशाई बनी रहेगी? क्या चासोले गांव की परेशानी का समाधान फडणवीस सरकार करेगी और उनके पानी के मसले को हल करके अपनी इंसानियत नवाजी का सबूत देगी, या ऐसे ही चासोले के परेशान हाल लोग परेशान रहेंगे और उन परेशान हाल लोगों से गफलत बरत कर हमारी हुकूमत अपनी मुर्दा दिली का सबूत देगी? अब ये हुकूमत के हाथ में है कि वो अपने आप को जिंदा साबित करती है या मुर्दा। मुंबई टाइम्स की खास रिपोर्ट। किसी जमाने में एक गीत बड़ा मशहूर हुआ, बोल थे इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दौर बदला, वक्त बदला, लोग बदले, नेता भी बदल गए। अब झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना नेताओं का धंधा हो गया है। मोदी जी के ज़माने में थाने ज़िले के दसाई गांव, जिसके कैशलेस होने और मॉडर्न होने या तरक्की याफ्ता होने का चर्चा चारों तरफ था। मोदी जी और उनके चहीते हवारी जिस गांव की तारीफ करते नहीं थकते थे और उसे अपनी कामयाबी की निशानी बताते थे, आज वही दसाई गांव साफ पानी को तरस गया है। गदला पानी मिलता है तो वो भी बहुत थोड़ा। अब लोग परेशानी से तंग आकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। शायद इसीलिए अब गीत के बोल बदल चुके हैं और करप्ट लीडर इस तरह के गीत गा रहे हैं। नेताओं की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। क्या हमारे बगला भक्त लीडर ज़रा सी इंसानियत का सबूत देते हुए इस दसाई गांव की तरफ तवज्जो देंगे और इनके पानी के मसले को हल करेंगे, या सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे से ही लोग बहलते रहेंगे? हुकूमत का फ़र्ज है कि इस वक्त इस गांव की तरफ तवज्जो दें ताकि लोग परेशानी से बच सकें। नाव कमल बाळकृष्ण राऊत, माझे गाव चासोले। आम्हाला फार पाण्याची टंचाई आहे। आमच्या मुली बालींना लई कसरत करायला लागते आणि दरडीचं पाणी आणि हिरीत उतरायला लागते। पाण्याची गरज आहे आम्हाला।